नमस्कार जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने गार्डन्स का, प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, कटिंग से लगने वाले प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कटिंग से लगने वाला प्लांट्स है ये सन बेबी रोज़, और इसके साथ मैं आपको एक प्लांट्स और दिखाऊंगी जो बहुत बार मैं अपने वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा वो बेस्ट प्लांट है और बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। पर ये दोनों ही प्लांट कटिंग से बहुत ईजिली लग जाते हैं, पर मुझे, मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने यहाँ लगा रखा है तो इनकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट भी नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए दूसरे प्लांट से मिलते हैं अपने। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये कोलियस की एक वैरायटी है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स इसको कटिंग से ग्रो किया है। इसका जो मेन प्लांट है वो फ्रेंड्स मैंने किसी और जगह लगा रखा है, बट मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स और मुझे इसका रिज़ल्ट देख के बहुत ही खुशी हो रही है। तो आपको भी पता है कि इस टाइम ठंड जा रही है और समर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो डोरमेंसी से अब थोड़े थोड़े निकल के आ रहे हैं और उनकी जो ग्रीनरी है बढ़ रही है, न्यू लीव्स आ रही है उसमें। तो उन्हीं में से कुछ प्लांट ये हैं फ्रेंड्स जो कि अभी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसकी लीव्स और कलर निकल कर के आए हैं। और फ्रेंड्स, एक प्लांट ये है, ये भी कोलियस की एक वैरायटी है फ्रेंड्स, और मेरे पास ये इस टाइम बहुत सारा है। तो मैं आपको फ्रेंड्स एक, ये आप देख सकते हैं आपके सामने है भी, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो एक्चुअल में जो क्वालिटी है वो ये है फ्रेंड्स, देख रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये इसकी जो लीफ देख रहे हैं ना आप, इसमें आप, इसका कलर अपने आप ऑलरेडी चेंज हो गया है, अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे पास में, मैंने ये कटिंग से लगाए हैं मेरे गार्डन में फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से चल रहे हैं ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ये कुछ एक प्लांट हैं तो आप भी फ्रेंड्स कोशिश करें कटिंग से लगाने की। तो मैं फ्रेंड्स आपके सामने ये सन बेबी रोज़ की कटिंग ले रही हूँ, यहाँ से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं? तो अब इसको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, और फ्रेंड्स जैसे अभी कुछ रिक्वेस्ट भी आई थी एक बार मेरे पास में, किसी ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि ये प्लांट थोड़ा मुश्किल है होना, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा इसको जो पानी है, जब ज़्यादा गर्मी हो तब तो इसको पानी अच्छी मात्रा में चाहिए होता है फ्रेंड्स, और उसके अलावा इसमें ओवर वाटरिंग ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि गल जाता है और इसका ज़्यादा कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर इस किसी भी भाई बहन का ये प्लांट्स ख़राब हो गया है तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग। तो फ्रेंड्स बस ओवर वाटरिंग से बचें। तो मैं आपको फ्रेंड्स ये लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ पर, अभी मेरे पास, आपकी मिट्टी अगर हार्ड है थोड़ी तो आप पेंसिल वगैरह ले सकते हैं, उससे आप इसमें थोड़ा सा मिट्टी को निकाल करके लगाएं इसको, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है फ्रेंड्स, हार्ड नहीं होती है इसकी ब्रांच। तो फ्रेंड्स बस इसको इतना ही करना है और ये लग जाता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत होती है। तो और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किन्नी जगह ये कटिंग से ग्रो कर रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कटिंग से ग्रो कर रखा है, मैंने इसकी ये दो कटिंग लगाई थी यहाँ पर, और इसका इस टाइम सीज़न है तो आप देख सकते हैं अभी पूरी गर्मी फ्रेंड्स ऐसे ही रहने वाला है। और फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट है, बट इसमें इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास अभी धूप में रखने की जगह नहीं है, यहाँ पर कम, बहुत ना के बराबर धूप आ रही है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बट होएगी। मैं आपको दिखाती हूँ इसके फ्लावर्स किस कलर के आते हैं और कैसे आते हैं फ्रेंड्स, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने एक ही कटिंग लगाई है इस प्लांटर में और इसमें आप कलर देख रहे हैं इसका। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये पिंक कलर है और फ्रेंड्स एक मेरे पास रेड कलर भी है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये भी आप देख रहे हैं मेरे इस प्लांटर में जो साइड में ये मैंने कोलियस की कटिंग लगा रखी है और आप लोगों से शेयर भी किया था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं मेरे गार्डन एरिया में जो मैंने कटिंग से इस साल समय रहते बहुत ही ज़्यादा जगह लगाई हैं फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स अगर आप आने वाले समय में मेरी वीडियोस में देखेंगे तो किन्हीं इसी तरीके के प्लांट्स कुछ ज़्यादा मिलेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि ये सन बेबी रोज फ्रेंड्स, ग्रीनरी अगर किसी फ्रेंड्स को ज़्यादा चाहिए तो ये उस लिहाज से बहुत अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स। और किसी को ये हैंगिंग प्लांटर बनाना है तो फ्रेंड्स इसका बिलीव करो बहुत ही अच्छा हैंगिंग प्लांटर बनता है फ्रेंड्स। और जब ये प्लांटर में लगता है और ये जब लटकता है ना फ्रेंड्स, तो विश्वास करो फ्रेंड्स कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी जो लीव्स हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे कि आर्टिफिशियल हैं। और बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स आते हैं, वो कई बार मुझसे पूछते भी हैं कि प्लास्टिक का है, तो फ्रेंड्स मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि प्लास्टिक का नहीं है, ओरिजिनल है। तो इस तरीके के फ्रेंड्स ये प्लांट लगते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो ये फ्रेंड्स अगर आपके पास नहीं हैं तो आप एक बार नर्सरी जाएं और लेके आएं, कोई ख़ास महंगा नहीं मिलता है फ्रेंड्स ये प्लांट। और कटिंग से एक ही बार लेके आना पड़ेगा, उसके बाद तो आप इसको कटिंग से कई जगह लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास शेडी एरिया नहीं है तो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सन लविंग प्लांट है और ये धूप में रहने वाला प्लांट है। अगर आप इसको इंडोर लगाते हैं तो ये फ्रेंड्स इंडोर बहुत ही अच्छा चलता है, बट इसमें फूल नहीं आते हैं। और आउटडोर इसको आप रखते हैं डायरेक्ट सन में तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे फल फ्लावर्स भी आते हैं। तो डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपकी इच्छा है, आपको इसमें फ्लावर्स चाहिए तो आप इसको आउटडोर रखें, और आप इसकी ग्रीनरी को इंजॉय करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसको आप इंडोर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये फ्रांस ये प्लांट हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे फ्रेंड्स। कमेंट्स बॉक्स में कुछ पूछना हो फ्रेंड्स तो कमेंट्स कीजिए, कोशिश करूँगी आप लोगों के जवाब देने की। बाय फ्रेंड्स।